एलएसटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। यूपी पंचायत चुनाव 2020, दो बच्चों वाला कानून आया तो कौन कौन दावेदार होंगे बाहर, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव कब होंगे, किन किन लोगों को ये चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी, इस नए कानून से समाज के निचले तबके पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वहीं विपक्षी दलों ने इसको लेकर क्या धमकी दी है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा हुई है और ना ही अभी दो बच्चों से अधिक पर चुनाव लड़ने से वंचित रहने का कानून आया है, लेकिन ग्राम पंचायतों के वर्तमान जनप्रतिनिधियों की दुखदुखी जरूर बढ़ गई है। कारण, कई वर्तमान प्रधान, बीडीसी व डीडीसी और संभावित प्रत्याशी निर्वाचन की रेस से पहले ही बाहर हो जाएंगे। दरअसल इस साल पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना संक्रमण आदि की वजह से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई। हालांकि निर्वाचन विभाग का दावा है कि तैयारी में देर नहीं लगेगी, सिर्फ वोटर सूची का पुनरीक्षण अभियान ही चलेगा। दूसरी ओर इन दिनों दो बच्चों से अधिक पर प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव न लड़ने की बात कही जा रही है। इसको लेकर संभावित प्रत्याशी मौजूदा प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्यों की धड़कनें तेज हो गई हैं। अभी मसौदा तैयार होने की बात की जा रही है, विधेयक या कानून नहीं बना है। आगे अगर ऐसा नियम लागू हो गया तो जिले के 60-70% प्रधान चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। लागू होने के बाद इस कानून में ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष भी इस दायरे में आ जाएंगे। वहीं आपको बता दें, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कटियार ने बताया है कि पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट के रिवीजन को पहले कहा गया था, लेकिन बाद में मामला टल गया। कई राज्यों में पहले से ही दो बच्चों से अधिक पर चुनाव न लड़ने पर कानून लागू है। पंचायत चुनाव से पहले विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान चलेगा। आपको बता दें, चुनाव से पहले टू चाइल्ड पॉलिसी पर भी बहस छिड़ गई है। विशेषज्ञों की माने तो ये आसान नहीं होगा, इसमें बड़े पेच हैं। कैबिनेट प्रस्ताव लाना होगा, फिर संसद में प्रस्ताव पास करवाना होगा, पंचायती राज एक्ट में संशोधन कराना होगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में इस बार पंचायत चुनाव में समय कम बचा है, इसलिए ये सब हो पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। दरअसल पंचायत चुनाव में टू चाइल्ड पॉलिसी की बहस ने 11 जुलाई के बाद तूल पकड़ा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। संजय बालियान ने मांग की कि यूपी के आने वाले पंचायत चुनाव में उन्हीं को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। उन्होंने अपने पत्र में उत्तराखंड के बने कानून का हवाला दिया। बालियान ने कहा कि प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है और इस बारे में एक समग्र नीति बनाने की जरूरत है। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में वोटर लिस्ट का वृहद पुनरीक्षण आने वाले 1 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। इस बाबत आयोग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है। आने वाले 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के काम में बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्टेशनरी आदि की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी करते हुए खरीद का काम संपन्न करवाने को कहा गया है। इसे बीएलओ किट भी कहा जाता है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम करीब 3.5 महीने चलेगा। इसमें ग्रामीण से लेकर घर घर जाकर बूथ लेवल ऑफिसर परिवार के सदस्यों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही वर्ष 2015 से अब तक मृत या दूसरे राज्य चले गए या डुप्लीकेट वोटरों के नाम भी हटाए जाएंगे। यही नहीं, वर्ष 2015 से 1 जनवरी 2021 तक ग्रामीण इलाकों में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए वोटर भी शामिल किए जाएंगे। वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में करीब 11.80 करोड़ वोटर थे। पिछले 5 वर्षों में इसमें 10% की बढ़ोतरी मानी जा रही है। इस लिहाज से इस बार की नई वोटर लिस्ट करीब 13 करोड़ वोटर की बनने की उम्मीद है। प्रदेश में पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल व मई के महीने में करवाए जाने की उम्मीद है। प्रदेश का पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग इसी आधार पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वोटर लिस्ट के बृहद पुनरीक्षण शहरी क्षेत्र में शामिल पंचायतों को घटाते हुए नए परिसीमन सीटों का नए सिरे से आरक्षण निर्धारण आदि में 6 महीने का समय लगेगा। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अक्टूबर में अगर शुरू होता है तो उपयुक्त सारे काम अगले साल मार्च तक पूरे हो जाएंगे। अगले साल फरवरी मार्च में वार्षिक परीक्षाएं भी होंगी। इस लिहाज से पंचायत चुनाव अप्रैल मई के महीने में उम्मीद है कराने की।